एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि पहले की सरकार के समय 1962, 1965, 1972 की भीषण लड़ाइयां हुई। देश पोलियो, प्लेग, हैजा, टीबी जैसी भयंकर महामारी की चपेट में आया, लेकिन सभी का मुफ्त में इलाज हुआ। मुफ्त में पूरे देश का टीकाकरण हुआ। लोगों ने उन सरकारों पर खरबों के घोटाले के आरोप लगाए। कहा गया कि काला धन विदेशों में भेजा गया। कथित भ्रष्टाचार की खूब चर्चा रही। बावजूद इसके देश में बहुत सारे सरकारी कारखाने व कंपनियां खड़ी हुई, सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, सरकारी स्कूल बने, सरकारी नौकरियों में कोई कमी नहीं रही। लोगों को नौकरियां दी गईं। जो व्यक्ति इंटर मैट्रिक पास कर जाता था उसे घर से बुलाकर नौकरियां दी गईं। तनख्वाह में कोई कमी नहीं रही। भत्ता हर वर्ष लगातार बढ़ता था। महंगाई भत्ता 131% तक दिया गया। सबसे अधिक वेतन वृद्धि छठे वेतनमान में मिली। सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाता था। देश की GDP 10% से ऊपर थी। आखिर तमाम घोटाले और भ्रष्टाचार से घिरी सरकारें यह सब कैसे कर लेती थी जो दिव्य महापुरुष की सरकार नहीं कर पा रही है, जबकि वे विदेशों से काला धन वापस ले आए। नोटबंदी से भी देश का काला धन वापस आ गया। GST से सरकारी खजाना भर गया। आपातकालीन परिस्थितियों के लिए रिजर्व बैंक में जमा पैसा निकाल लिया गया। फिर पता नहीं क्यों 18-18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री के सामने सरकारी संपत्तियां बिक गईं और दिव्य महापुरुष की सरकार नौकरियां, वेतन भत्ते, पेंशन नहीं देकर किसान, मजदूर और आम नागरिकों को सिर्फ टेंशन ही दे रही है। कोई युद्ध नहीं हुआ, GDP माइनस में चल रही है, सभी की नौकरियां चली गईं, फिर भी साहब ने सभी NGO, उद्योगपतियों और देश के नागरिकों से PM केयर फंड में पैसा जमा करवा लिया। उस पैसे से क्या कार्य हुआ किसी को नहीं पता। देश में बड़ी अजीब स्थिति बनी है। अगर कोई सवाल कर रहा है तो उसको पाकिस्तानी या देशद्रोही बोला जा रहा है। मेरे ख्याल से उन युवाओं को तो अब कम से कम अब जाग जाना चाहिए जो पढ़े लिखे होने का दम भरते हैं।